73 करोड़ के सोयाबीन जब्ती मामले में जारी होंगे नोटिस। नमस्कार, मैं हूँ रिया बिपलीवाल। आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए विशेष खबर। बड़नगर मार्ग के चंदूखेड़ी स्थित अवि एग्रो बिजनेस लिमिटेड सोयाबीन तेल प्लांट के मालिक, संचालक और मैनेजर को ADM न्यायालय के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 5 से 7 मई के बीच राजस्व व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने प्लांट पर दबिश देकर यहां से जमाखोरी की सोयाबीन जब्त की है। इसकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए थी। सोयाबीन तेल की बढ़ती कीमत के बीच शासन ने जमाखोरी की आशंका को भांपते हुए 27 अप्रैल को खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण के आदेश जारी किए थे, जिसमें कारोबार से जुड़े तेल व उससे बनने के सोयाबीन बीज की स्टॉक सीमा तय की थी। इस आदेश के बाद प्रदेश में सबसे बड़ी उक्त कार्यवाही उज्जैन में हुई थी। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू व SDM गोविंद दुबे की संयुक्त टीम ने जब्ती की कार्यवाही कर प्रकरण बनाकर ADM संतोष टैगोर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसी कड़ी में यहां से संबंधितों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में कड़ी व ठोस कार्यवाही संबंधितों पर हो सकती है। ADM टैगोर ने कहा कि नोटिस तैयार कर लिए हैं, 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।